दोस्तों, भगवान शिव और भगवान विष्णु हमारे प्रमुख देवता हैं। वे दोनों ही संपूर्ण हैं और सर्वशक्तिमान हैं। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही होंगे कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे के परम भक्त हैं। फिर भी दोस्तों, पुराणों में तो ऐसी कहानियां मिलती है जहां स्वयं भगवान शिव और भगवान विष्णु में युद्ध हुआ है। दोस्तों, पुराणों में वर्णित प्रथम कथा तो हमने हमारे पिछले एपिसोड में आपको बताई थी, लेकिन दोस्तों पुराणों में और एक कथा मिलती है जहां स्वयं भगवान शिव और भगवान विष्णु में युद्ध हुआ है। तो दोस्तों, यह युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह जानने के लिए देखते रहिए इस एपिसोड को। और दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब। दोस्तों, एक दिन माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्रदेव को मिलने आई। तब उन्होंने देखा कि उनके पिता समुद्रदेव बहुत चिंता में हैं। तब माता लक्ष्मी ने अपने पिता समुद्रदेव को उनकी चिंता का कारण पूछा। तब समुद्रदेव ने उन्हें कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे लिए अति प्रसन्न हूँ कि तुम्हारा विवाह श्री हरि विष्णु के साथ हुआ है, लेकिन तुम्हारी पांच बहनें सुवेशा, सुकेशी, समीची, सुमित्रा और वेदा भी विष्णुदेव को मन ही मन अपना पति मान चुकी है और विष्णुदेव को पति के रूप में पाने के लिए पाताल में घोर तपस्या कर रही है और यही मेरे चिंता का कारण है। अपने पिता की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी भी चिंता में पड़ गई और वैकुंठ धाम वापिस आ गई। वहां आकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्राणनाथ, मैं जानती हूँ कि आपके हृदय के आधे भाग में महादेव और आधे भाग में ये सारा संसार, आपके भक्त और मैं रहती हूँ, लेकिन आज से आपको अपने हृदय में सिर्फ मुझे ही रखना पड़ेगा। तब विष्णुदेव ने कहा कि यह असंभव है देवी, मैं जगत का पालनहार हूँ। यह सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे अपने मन से निकाल दीजिए। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर विष्णुदेव अत्यंत दुखी हो गए। यहाँ दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की पांचों बहनें तपस्या में सफल हुई, जिसके कारण उसकी तपस्या का फल देने विष्णुदेव को पाताल लोक आना पड़ा। वहां आकर विष्णुदेव ने उन पांचों बहनों से कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, तुम अपना मनोवांछित वरदान मांगो। तब उन पांचों बहनों ने वरदान के रूप में यह मांगा कि विष्णुदेव उन पांचों बहनों के पति बन जाए तथा सारी स्मृतियों को और इस संसार को भुलाकर पाताल लोक में ही उनके साथ वास करे। तब विष्णुदेव ने उन्हें तथास्तु कहा और विष्णुदेव उन पांचों अप्सराओं के साथ पाताल लोक में ही वास करने लगे। काफी वर्ष बीत गए। विष्णुदेव की असक्रियता के कारण संसार का संतुलन बिगड़ने लगा और विष्णुदेव से विभक्त होने के कारण देवी लक्ष्मी भी उदास हो गई, जिस कारण संसार का सारा वैभव नष्ट होने लगा। काफी वर्ष बीत जाने के बाद भी जब विष्णुदेव लौटकर नहीं आए, तब माता लक्ष्मी अति व्याकुल हो गई और मदद मांगने हेतु महादेव के पास आई। तब माता पार्वती ने देवी लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, भगवान विष्णु तो संसार के पालनहार है, आप उनसे यह आशा कैसे रख सकती है कि वे सिर्फ आपको ही उनके हृदय में स्थान दे। मेरे पति महादेव के हृदय में भी आधे भाग में विष्णुदेव निवास करते हैं और आधे भाग में ये सारा संसार, उनके भक्त और मैं वास करती हूँ। मुझे इस बात का तनिक भी दुख नहीं है कि महादेव के पूर्ण हृदय में मैं निवास नहीं करती, अपितु मैं इस बात को लेकर अति प्रसन्न हूँ कि महादेव के हृदय में मेरा एक विशेष स्थान है। वो किसी की तुलना में कम है और किसी की तुलना में अधिक, इस बात का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। माता पार्वती की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे रोने लगी। यह देखकर भोलेनाथ अत्यंत दुखी हुए और विष्णुदेव को पाताल से लाने के लिए उन्होंने स्वयं को ऋषभ में, मतलब बैल में परिवर्तित कर दिया और पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया। ऋषभ रूपी महादेव पाताल में आने के कारण पाताल में भूकंप आ गया। इस कारण विष्णुदेव के सुखद समय में बाधा उत्पन्न हुई, जिस कारण विष्णुदेव अतिक्रोधित हो गए और युद्ध करने के लिए ऋषभ महादेव के सामने आ गए। ऋषभ महादेव और विष्णुदेव के बीच युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही एक दूसरे पर अलग अलग शस्त्र अस्त्र से प्रहार करने लगे। उनका यह युद्ध कई हजार वर्षों तक चलता रहा। दोनों ही महाशक्तिशाली होने के कारण इस युद्ध में ना कोई हार रहा था ना ही कोई जीत रहा था। एक समय ऐसा आया
कि विष्णु देव ने नारायण अस्त्र ऋषभ महादेव पर छोड़ दिया और ऋषभ महादेव ने पशुपतास्त्र विष्णु देव पर छोड़ा। इस कारण ऋषभ महादेव और विष्णु देव दोनों ही एक दूसरे के अस्त्र में बन गए और हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। यह सब देखकर श्री गणेश उन पांचों अप्सराओं के पास आए और उन्होंने उन अप्सराओं से कहा कि महादेव और विष्णुदेव दोनों ही एक दूसरे के अस्त्र में बन गए हैं और सिर्फ वे दोनों ही हैं जो एक दूसरे को इस अस्त्र के बंधन से मुक्त करने में समर्थ है। अगर विष्णुदेव की स्मृति वापस नहीं आई तो महादेव और विष्णुदेव अनंत काल तक ऐसे ही बंधे रहेंगे और इस सारे संसार का सर्वनाश हो जाएगा, अपितु आप ही इस संसार को समाप्त होने से बचा सकती हैं। यह सुनकर वे पांचों अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में आ गई और उन्होंने विष्णुदेव से कहा कि हे विष्णुदेव, हम हमारे सारे वचनों से आपको मुक्त करते हैं। अप्सराओं के वचन से मुक्त होते ही विष्णुदेव की सारी स्मृतियां वापस आ गई और विष्णुदेव और महादेव ने एक दूसरे को अपने सारे अस्त्रों से मुक्त कर दिया और महादेव भी अपने साकार रूप में आ गए। तब विष्णुदेव ने यह ऐलान किया कि महादेव के इस अवतार को सारी सृष्टि ऋषभ महादेव के नाम से जानेंगी और यह घटना हो जाने के पश्चात महादेव श्रीहरि विष्णु को लेकर वैकुंठ धाम आ गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी ये प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।